हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ मूल बातें बताऊंगा और उसके पश्चात मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के प्रश्नों पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? अनिश्चित समाकलन करना सीखा है, निश्चित समाकलन करना सीखा है, ठीक है। अब अनिश्चित समाकलन क्यों आपने पढ़ा? क्योंकि आपको निश्चित समाकलन पढ़ना था। निश्चित समाकलन क्यों पढ़ना है? क्योंकि निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। निश्चित समाकलन का जो यूज है वो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको हम पहले कुछ मूल बातें बताते हैं किस तरीके से हम निश्चित समाकलन का यूज करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में। देखिए, मैं एकदम बेसिक से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, छोटी क्लासों में आपने क्या सीखा? छोटी क्लासों में आपने ये सीखा कि अगर कोई आकृति ऐसे बनी है, ठीक है, जिसमें दो लंबाइयाँ हैं, दो चौड़ाइयाँ हैं, लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं है, तो आपने इस आकृति को क्या नाम दिया? आपने इस आकृति को नाम दिया आयत। अगर आपने कोई ऐसी आकृति देखी जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आपने इस आकृति को क्या कहा? आपने इस आकृति को वर्ग बोला, ठीक है। कोई आपका सर्किल है जो कि आर त्रिज्या का है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, इसके केंद्र से परि तक की दूरी आपकी आर है, तो आपने इसका क्षेत्रफल बताया कितना? पाई आर स्क्वायर, और इस आकृति को हमने नाम दिया वृत्त। ये जितनी भी आकृतियां हैं, इन सारी आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो निश्चित है। आप सभी को पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो आपका कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निश्चित है, क्या होता है आपका? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जितनी भी आकृतियां अभी तक हमने पढ़ी, इनका क्षेत्रफल जो था वो निश्चित था। लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे? हम ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे जिसकी आकृति आकार निश्चित नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक चतुर्थांश खींच दिया, ये आपकी वाई एक्स है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, समझ में बात। अब यहां पर हम क्या लेते हैं? एक कर्व ले लेते हैं, यानी एक वक्र ले लेते हैं जो कि आपका x अक्ष के अंतर्गत है। ये कर्व मैंने जो खींचा वो x अक्ष के अंतर्गत है, ठीक। अब मैं इसको बाउंडेड कर रहा हूँ, इसकी लिमिट ले रहा हूँ। मान लीजिए इसकी जो लिमिट है, ये बाउंड जो एरिया है वो आपका x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू a है। ये जो कर्व है वो बाउंडेड है x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू a लिमिट के अंतर्गत। और आपसे बोला जाए कि इसका आप क्या निकालिए? क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, ठीक है। ये आपका वक्र वाई अक्ष के अंतर्गत भी हो सकता है, जैसे मैंने आपके सामने यहां पर चतुर्थांश खींच दिया, देखिएगा, और ये मैंने कर्व खींच दिया यहां पर, इसको हमने बाउंडेड कर दिया लिमिट वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू ए। और आपसे बोला जाए इस क्षेत्रफल निकालिए, तो इस प्रकार के कर्व का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम समाकलन के अनुप्रयोग नामक चैप्टर पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने चतुर्थांश मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और आपके सामने ऐसी एरिया दे दी जाए, ठीक है, आपको इस और इस क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए। यहां पर आपको लिमिट दे दी जाए, ये आपका मूल बिंदु बोल दिया जाए जीरो का जीरो, यहां पर एक्स इक्वल टू ए दे दिया जाए, यहां पर एक्स इक्वल टू बी दे दिया जाए। इस टाइप के कर्व का जो क्षेत्रफल है वो हम समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, ठीक है। इनका क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे? चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सूत्र बताता हूँ कि किसी कर्व का हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, यदि वह x अक्ष के अंतर्गत है या वह y अक्ष के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसको मैं रफ किए देता हूँ, चलिए मैं बढ़ता हूँ सूत्र की ओर। अब इसी क्रम में हम आप लोगों को साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कर्व जो है खींच के बताया, तो इन कर्व का जो हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, किस सूत्र से फाइंड करेंगे, क्या तरीका है, ये यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक चतुर्थांश बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा एक चतुर्थांश है,
ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। यहाँ पर एक हम वक्र ले लेते हैं, ठीक है, और जो ये वक्र है ये बाउंडेड यानी घिरा है, लिमिट आपको दे दी गई है एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए, और आपसे बोल दिया जाए कि इस कर्व द्वारा एक्स अक्ष के अंतर्गत क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, ठीक है, या आपको यही जो है कर्व दे दिया जाए वाई अक्ष के अंतर्गत। यहाँ पर मैं इसका भी चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपके सामने जो है चतुर्थांश खींच लिया एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर जो ये कर्व है, यहाँ पर कर्व देख सकते हो ये एक्स अक्ष के एलांग है, ठीक है, यहाँ पर इसी कर्व को हम वाई अक्ष के एलांग खींच लेते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो आपकी वाई इक्वल टू मान लीजिए जीरो से आपकी वाई इक्वल टू ए, ये एरिया जो बाउंडेड है वो वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू ए, आपको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो इस टाइप के कर्व का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयताकार पट्टिका खींच लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें इस एरिया का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसमें एक आयताकार पट्टिका खींच लेंगे पतली सी, ठीक है, जो कि आयताकार होगी, आप देख सकते हो मैं इसको मोटा कर रहा हूँ, हम एक आयताकार पट्टिका खींच लेते हैं, ये मैंने आयताकार पट्टिका खींच लिया, ठीक है, इसको मैं जो है गाढ़ा किए देता हूँ, ये आयताकार पट्टिका है। अब ये आयताकार पट्टिका जो है ये एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको नाम दे देंगे हम डी एक्स, और ये किसके एलांग है, वाई अक्ष के एलांग है, इसलिए इसको नाम दे देंगे वाई। मान लीजिए जो ये कर्व है, ठीक है, इसका समीकरण दे दिया गया वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक पट्टिका खींचा। अब ये पट्टिका जो है वो एक्स अक्ष पर है, इसलिए इसको हमने डी एक्स नाम दे दिया, और ये एलॉन्ग जो है वाई अक्ष के, इसलिए इस पट्टिका को हमने वाई नाम दे दिया। ये कर्व जो है मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व का जो है समीकरण है। तो इस कर्व का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम कैसे सूत्र अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू ए फॉर एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ, यहाँ पर हम जो एरिया है देखेंगे कि वो किस लिमिट द्वारा बाउंडेड है, ये लिमिट जो है जीरो से आपकी ए तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपको कर्व का समीकरण दिया गया वो क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो आप लिखोगे, देखिए यहाँ पर ये आयताकार पट्टिका है, आयत का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपकी चौड़ाई होगी, ये आपकी लंबाई होगी, तो चौड़ाई कितनी है आपकी डी एक्स, और लंबाई कितनी है वाई है, वाई की वैल्यू कितनी है एफ एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। या आप इस सूत्र को ऐसे भी ले सकते हो, इस कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऐसे इसको ले सकते हैं, जीरो से ए लिमिट एफ एक्स किसके बराबर वाई के, तो यहाँ पर ले सकता हूँ मैं वाई डी एक्स, ठीक है। तो जब कोई कर्व हमारा एक्स अक्ष के एलांग होगा तो उसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू सूत्र लगाएंगे, लिमिट जो होगी आपकी यहाँ पर जीरो से ए है तो जीरो से ए लिमिट लिख दिया, और वाई डी एक्स सूत्र अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ये कर्व आपका वाई अक्ष के एलांग है, ठीक है, यहाँ पर हमने y इक्वल टू एफ एक्स माना, यहाँ पर हम मान लेंगे x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। अब इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आयताकार पट्टिका खींचेंगे जैसे हमने इसमें खींचा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आयताकार पट्टिका जो है पतली सी खींच ली, ये एक आयताकार मैंने पट्टिका खींच ली। अब ये आयताकार पट्टिका जो है वाई अक्ष पर है, इसलिए इसको हम डी वाई नाम दे देंगे, यहाँ पर आयताकार पट्टिका एक्स अक्ष पर थे इसलिए मैंने डी एक्स को नाम दिया था, ये आयताकार पट्टिका वाई अक्ष पर इसलिए मैंने डी वाई नाम दे दिया। अब ये एलॉन्ग किसके है एक्स अक्ष के, तो इसको मैं एक्स नाम दे दूंगा। इस कर्व का समीकरण एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम सूत्र अप्लाई करेंगे समाकलन ऑफ, ये एरिया जो बाउंडेड है वो जीरो से ए है, तो यहाँ पर आप लिमिट लिख दोगे जीरो से ए, उसके बाद आप देखोगे आयताकार पट्टिका की जो क्षेत्रफल होता है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो x हो जाएगी और चौड़ाई y हो जाएगी, तो x की वैल्यू किसके बराबर है एफ वाई के, तो एफ वाई लिख देंगे और चौड़ाई आपकी डी वाई हो जाएगी। या इस सूत्र को आप ऐसे भी ले सकते हो, a इक्वल टू लिमिट जीरो से a एफ वाई किसके बराबर है x के, x डी वाई। तो जब कोई कर्व हमारा क्या होगा y अक्ष के एलांग होगा तो सूत्र लगाएंगे a इक्वल टू जो लिमिट होगी x डी वाई, और अगर हमारा कोई कर्व जो है एफ अक्ष के एलांग है तो सूत्र लगाएंगे हम a इक्वल टू लिमिट जो होगी y डी एक्स। इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई कि किसी कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या विधि को अपनाते हैं। सबसे पहले एक पट्टिका खींचते हैं, वो जिस अक्ष पर स्थित है उस अक्ष के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर ये x अक्ष पर है तो dx मान लेंगे, ये पट्टिका y अक्ष पर खींची तो dy हमने मान लिया,
ठीक है। फिर जिस अक्ष के एलांग है यहाँ पर देखिए आपकी वाई अक्ष के एलांग है, तो हमने वाई लिख दिया। जो भी आपको समीकरण दिया जाएगा वहां से आप वाई की वैल्यू फाइंड करोगे यदि वह कर्व आपका एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए आप चाहे एक्स अक्ष के एलांग जो है क्षेत्रफल निकालो इस कर्व का, या वाई अक्ष के एलांग जो है क्षेत्रफल निकालो इस कर्व का, दोनों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल आपका दोनों विधियों से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो अब मैं आपके सामने एक आधे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना बताऊंगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। उसके बाद मैं आप लोगों को दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा, ठीक है, जिसका केंद्र आपका मूल बिंदु पर स्थित है। और दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल वाला जो वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 3 से 4 बार, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने एक दो प्रश्न ले रहा हूँ जिससे मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। आप सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो। ठीक है, लेकिन इसको समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन नोट किया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आप सभी को पता है, सूत्र पता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको मैं समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा कैसे सिद्ध करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो वृत्त है उसका समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इस समीकरण को पढ़ा है और इस समीकरण से ये सोच होता है कि जो ये वृत्त है ये मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक चतुर्थांश बनाएंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने चतुर्थांश खींच दिया, ये x अक्ष है ये y अक्ष। अब एक वृत्त जो है खींचेंगे, ठीक है, जिस केंद्र होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा, तो मूल बिंदु यहाँ पर है, तो इसके चारों ओर एक हम वृत्त की रचना कर लेंगे ऐसे, ये मैंने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब ये वृत्त जो है, अब देखिए इस वृत्त का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, वैसे भी मेरा वृत्त जो है अच्छे से नहीं बना है लेकिन आप समझ लीजिएगा ये चारों चतुर्थांश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे वृत्त के, क्योंकि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। मान लेता हूं कि इस वृत्त का केंद्र जो है वो आपका O है, इसके निर्देशांक 0,0 है क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब ये जो समीकरण दी गई है वो आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर, तो आप जानते हो कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये दूरी अगर r है तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना आपका हो जाएगा, r का मान 0 हो जाएगा, सभी को पता है क्योंकि y अक्ष पर तो चली गई दूरी है नहीं, x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई r, तो r का मान 0 उसका निर्देशांक हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ a। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे और एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 4 चतुर्थांश हैं, बस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम फाइंड कैसे करेंगे, मैंने भी आपको बताया कि किसी कर्व का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयताकार पट्टिका खींचते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें इस कर्व का क्षेत्रफल फाइंड करना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पट्टिका खींचेंगे ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे एक जो है पट्टिका खींच लिया, इसको मैंने गाढ़ा कर दिया। अब ये जो पट्टिका है वो किस पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, तो इसको हम नाम दे देंगे dx, और किस अक्ष के एलांग है, वाई अक्ष के एलांग है, तो यहां पर लिख देंगे y। इस वृत्त का समीकरण आपको कितना दिया गया है, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जो भी आपने यहां पर आकृति बनाई है इसका समीकरण लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वृत्त का हो गया समीकरण। अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे लेकिन हमको यहाँ पर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना क्षेत्रफल इस चतुर्थांश को होगा उतना ही इसका होगा, इतना इसका होगा उसके उतना ही इसका होगा। अब ये यहाँ पर आकृति मेरी जो है थोड़ा सा टेढ़ी-मेढ़ी बन गई, इससे आपको लग रहा है कि ये चतुर्थांश आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रकार की नोट रखकर जब आप वृत्त खींचोगे तो चारों चतुर्थांश बराबर में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई प्रकार तो है नहीं लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है, ये चारों चतुर्थांश आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल ए इक्वल टू, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, हम देखेंगे जो एरिया है वो बाउंडेड किस लिमिट के द्वारा है, आप देख सकते हो 0 से आर लिमिट के द्वारा बाउंडेड है क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है आर है, तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से आर। उसके बाद हमने बताया क्षेत्रफल निकालने के लिए,
लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर आयताकार पट्टिका है तो लंबाई कितनी है y और चौड़ाई कितनी है x, तो लिख देंगे y और इंटू में dx। अब इस वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस समीकरण से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर y dx है, इसका मतलब x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो y की वैल्यू x के पदों में लिखेंगे तभी तो समाकलन कर पाएंगे। जब कोई फंक्शन हमारा x के पदों में होगा तभी तो उसका x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो यहाँ पर y dx है। अब इस समीकरण से हम क्या फाइंड करेंगे, लिखेंगे तब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम वाई स्क्वायर की, तो हमें मिल जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या हम y स्क्वायर टू निकालेंगे तो अंडर रूट हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू, देखिए ये आपका एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, इसको इसी वक्त हम चार से मल्टीप्लाई किए देते हैं तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे चार और समाकलन ऑफ लिमिट जीरो से r, y के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे कितनी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में आपका हो जाएगा dx, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, मैं सूत्र यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए समाकलन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, समाकलन में आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है, होता है वन अपॉन टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। इस सूत्र को सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है समाकलन चैप्टर में, ठीक है, समाकलन तो करना जानते ही हो तभी तो समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये ए इक्वल टू हमें मिल जाएगा, इस ब्रेकेट को आप हटा दीजिए कोई मतलब नहीं इसका, फोर इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ब्रेकेट के अंदर वन अपॉन टू, ठीक है, एक्स लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए के स्थान पर यहाँ आर है तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स अपान में, यहाँ ए है यहाँ पर आर है तो आर लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे जीरो से आर। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू फोर। देखिए पहले क्या करते हैं हम फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम अपर लिमिट आर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर आर पुट करेंगे तो एक्स के स्थान पर आर पुट करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका हो जाएगा जीरो, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। इसमें आर पुट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स आर अपान में आर, फिर माइनस लगाएंगे। अब इस पूरे फंक्शन में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो, तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो इस पूरे फलन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पर एक्स के स्थान पर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन इनवर्स साइन जीरो यानी इस फंक्शन की वैल्यू भी आपकी जीरो हो जाएगी, तो आगे आप माइनस करके जीरो लिख दीजिए, आगे सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर ब्रेकेट के अंदर देखिए आर स्क्वायर अपान में टू, ये आपका हो जाएगा आर से आर कैंसिल, ये वन मिल जाएगा और वन के स्थान पर आप लिख सकते हो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है तो आर से आर कैंसिल हो गया, वन के स्थान पर हमने लिख दिया साइन पाई बाई टू। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ए स्क्वल टू फोर, ठीक है, और ये आपका हो गया आर स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, अभी कल के वीडियो में मैंने बताया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर कितना है पाई बाई टू, ये टू टू जा फोर से ये फोर आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। तो आपने देखा कि समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा किसी वृत्त का क्षेत्रफल हमने कितनी आसानी से प्राप्त कर लिया, ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को इसी वृत्त का क्षेत्रफल वाई एच के एलांग पट्टिका को खींचकर निकाल के बताऊंगा, तब उस स्थिति में भी इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। हम किसी भी कर्व का क्षेत्रफल चाहे एक्स एच के एलांग निकालें या वाई एच के एलांग निकालें उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में बताऊंगा सारे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। तो जैसे मैंने अभी वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक चतुर्थांश खींचा, ठीक है, एक चतुर्थांश खींचा और एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र जो था वो आपका मूल बिंदु था जीरो कामा जीरो,
क्लियर इतनी बात। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो वृत्त की समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, तो मैंने इस बिंदु का निर्देशांक बोला आर कमा जीरो। अगर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैं वाई एच के एलॉन्ग निकालूं, ठीक है, वाई एच पर पट्टिका खींच के निकालूं, तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो एक्स अक्ष पर आया है वही वाई अक्ष पर भी आएगा। तो मैंने अभी जो है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, तो एक्स अक्ष पर पट्टिका खींची थी, अब मैं इसी पट्टिका को वाई अक्ष पर खींच के निकाल के बता रहा हूँ, आपका मान पाई आर स्क्वायर ही आएगा, यानी क्षेत्रफल का मान चेंज नहीं होगा। देखिएगा, अब जैसे मैं पट्टिका वाई अक्ष के एलॉन्ग खींच लूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और इसको चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो ये पट्टिका जो है वो हमारी वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको डी वाई नाम दे देंगे, ठीक है, और ये किस अक्ष के एलॉन्ग है, एक्स अक्ष के एलॉन्ग, इसलिए इसको एक्स नाम दे देंगे। समीकरण वृत्त का क्या है, समीकरण वृत्त का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब एक्स अक्ष के एलॉन्ग हमने पट्टिका खींची थी तो वाई की वैल्यू फाइंड की थी, तो एरिया आपकी हो जाएगी इक्वल टू लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी, लिमिट देखिए यहाँ पर जीरो कामा जीरो, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो आ जाएगा जीरो कामा आर, कितना हो जाएगा जीरो कामा आर, क्योंकि एक्स अक्ष पर तो चला नहीं जा रहा है तो वाई अक्ष पर आर चला जा रहा है, तो इसका मतलब जीरो कामा आर इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूँ, ये बिंदु बी है आपका। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो लिमिट आपकी हो जाएगी जीरो से आर, और उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई, तो ये आपका हो जाएगा एक्स डी वाई। एक्स की वैल्यू हम इस समीकरण से फाइंड करेंगे, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट, कितनी मिल जाएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर टू लिमिट हो जाएगी जीरो से आर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इंटू में आपका हो जाएगा डी वाई। आप ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो एक चतुर्थांश का निकाल रहे हो, आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप क्या करोगे चार से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने चार से मल्टीप्लाई कर दिया इसी वक्त, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत ना होने पाए, तो ये आपका हो जाएगा चार। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ब्रेकेट के अंदर वन अपॉन टू एक्स, एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई पुट कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के स्थान पर आर है आर स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए के स्थान पर आर तो आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई अपान ए, यही तो सूत्र था। लिमिट आपकी दी गई है जीरो से आर, यहाँ पर फोर लिखा हमने फोर लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर टू, देखिए फोर आपका हो गया। सबसे पहले हम अपर लिमिट इस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इस पूरे फंक्शन में जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप आर पुट करोगे, यहाँ पर आर पुट करोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा जीरो हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई। अब इसमें आर पुट करेंगे तो मिल जाएगा आपको आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई के स्थान पर आर और बटे में आर, फिर माइनस लगाएंगे। इसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पर आपका वाई है वहाँ पर कितना पुट करेंगे जीरो पुट करेंगे, तो ये आपका देखिए जीरो हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसे वाई के स्थान पर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर वाई के स्थान पर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू भी पूरी जीरो हो जाएगी, तो आगे माइनस लगा के हम जीरो लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फोर और इंटू में आर स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन पाई बाई टू। आप देखोगे ए स्क्वल टू, देखिए टू से फोर को कैंसिल करोगे टू हो जाएगा, तो टू इंटू में आर स्क्वायर साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर कितना है पाई बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो किसी भी कर्व का क्षेत्रफल यदि आप फाइंड कर रहे हो तो चाहे एक्स एच के एलॉन्ग फाइंड करो या वाई एच के एलॉन्ग फाइंड करोगे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आपकी इच्छा है तो एक्स एच के एलॉन्ग फाइंड कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो वाई एच के एलॉन्ग फाइंड कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने वाई एच के एलॉन्ग जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला तब भी आपका पाई आर स्क्वायर आया, एक्स एच के एलॉन्ग हमने निकाला पट्टिका खींचकर तब भी वही आया, ठीक है। तो ये बात आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि दीर्घ वृत्त का एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा। हम क्या करेंगे,
पहले एक दीर्घ वृत्त का निर्माण करेंगे। वहां पर वृत्त का समीकरण दिया था तो हमने एक वृत्त खींचा था, उसका मूल बिंदु जीरो का मैं जीरो था, इसलिए मैंने चतुर्थांक खींचा था। यहाँ पर दीर्घ वृत्त है, ठीक है, तो दीर्घ वृत्त जो होता है वो दो अक्षों के अंतर्गत बनता है, एक तो एक्स अक्ष के अंतर्गत बनता है, तो ये वाला फैलाव ज़्यादा होता है, ये वाला कम होता है। अगर वाई अक्ष के अलोंग बनाते हैं तो ये वाली जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, चौड़ाई ये वाली कम हो जाती है, आप सभी को पता है। तो आप कोई भी यहाँ पर दीर्घ वृत्त बना लीजिए, समीकरण तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर एक्स अक्ष के अंतर्गत बना लेते हैं, तो ये आपका दीर्घ वृत्त आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये आपका दीर्घ वृत्त बन गया। ये दीर्घ वृत्त का आपका क्या है, सिरा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। यहाँ पर जो समीकरण दी गई है वो आपकी दी गई है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप नाम दे दीजिए, आपका केंद्र हो गया जीरो का मैं जीरो, मूल बिंदु आपका होता है, इस बिंदु के निर्देशांक आपके हो जाएंगे ए कामा जीरो। तो यहाँ पर मैंने इस बिंदु के निर्देशांक निर्धारित कर लिए ए कामा जीरो, इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। ये आपकी एक्स अच्छा है, इसको डिनोट कर लीजिए वाई अच्छा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए भी हम देख रहे हैं कि चार चतुर्थांश हैं, एक दो तीन चार, तो किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसी एक अक्ष के एलांग हम फाइंड कर लें, चाहे वाई अक्ष के एलांग चाहे एक्स अक्ष के एलांग, और उसको चार से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया ही, जिस भी कर्व के द्वारा आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है क्या कीजिए, वहाँ पर आप एक पट्टिका खींच दीजिए। तो मैंने मान लीजिए एक्स अक्ष के एलांग यहाँ पर एक पट्टिका खींच दी, ये आपकी पट्टिका है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे, और इधर जो है ये आपकी सीधी जो है वाई अक्ष के एलांग, तो यहाँ पर हम वाई लिख देंगे। इस दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दीर्घ वृत्त बनाया, तो इसका समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। यह समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर कहता है कि जो भी आप फिगर बना रहे हो, ठीक है, उस फिगर का समीकरण जरूर लिखिए। तो समीकरण मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब इसका क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान है, लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए बराबर आपका हो जाएगा लंबाई कितनी पड़ रही वाई, ठीक, वाई की वैल्यू इस समीकरण से फाइंड करेंगे, चौड़ाई कितनी पड़े डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ, लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी जीरो से ए हो जाएगी, तो जीरो से ए कितना हो जाएगा वाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू वाई की वैल्यू इस समीकरण से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखें तो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर टू हमें मिल जाएगा बी अपन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू वाई की आई है वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा लिमिट जीरो से ए, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा डी एक्स, इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बी अपान ए अचर पद उसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि समाकलन करते वक्त हम अचर पद को बाहर कर लेते हैं, समाकलन हो जाएगा जीरो से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू, यह आपको हो जाएगा बी अपान ए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ पर आप एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हो, हैं कितने टोटल चार हैं, तो आप पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इसको आप चार से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिए, मैंने चार से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो अब मैंने कर दिया, क्लियर इतनी बात। ये आपका हो जाएगा फोर बी अपान ए, इसका सूत्र आप सभी लोग जानते हो, इसका समाकलन कितना होता है ब्रेकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ वन अपान टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए, लिमिट आपकी है जीरो से ए, उसको आप लिख दीजिए ब्रेकेट ऑफ करके, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वल टू फोर बी अपान में ए। देखिए
ये आपका हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर a पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे फलन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर a पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, उसके बाद माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट इस पूरे फलन में पुट करोगे तो x के स्थान पर जीरो, इस पूरे फलन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर x के स्थान पर जीरो पुट करोगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती तो इस पूरे फलन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो उसका मान जीरो ही होता है। तो ये आपको हो जाएगा जीरो, तो ये आपको मिल जाएगा फोर बी अपान में ए, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा इन टू में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसके स्थान पर मैं ले सकता हूँ साइन पाई बाई टू, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू किसके बराबर होता है, पाई बाई टू के बराबर। ये टू टू जब फोर से ये फोर आपका कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा बी और ए और पाई, यानी पाई ए बी वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। आप सभी को पता भी था कि दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई ए बी होता है, तो आपने देखा कि समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से मैंने कैसे यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी जो है फाइंड किया। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है निकालना बताया। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा और उसके पश्चात बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।